नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा परीक्षा जून 2021 हेतु आवेदन MPhil प्रवेश परीक्षा 2020 फी रिफंड एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी नोटिफिकेशंस एवं आवश्यक सूचनाओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम के संदर्भ में। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होम साइंस प्रैक्टिकल कैंप 8RC जोधपुर, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, न्यू डॉक 2020 जुलाई 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। ऑफिस ऑर्डर, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होम साइंस रेगुलर एंड डिफॉल्टर प्रैक्टिकल काउंसलिंग कैंपस प्रैक्टिकल कैंप्स कंपलसरी ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज स्टूडेंट्स जुलाई 2019 एंड जनवरी 2020 सेशन स्टूडेंट्स विल हेल्ड फ्रॉम 26 जुलाई 2021 टू 6 अगस्त 2021 एज पर टाइम टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होम साइंस के रेगुलर एंड डिफॉल्टर जो विद्यार्थी हैं उनकी प्रैक्टिकल काउंसलिंग जो कैंप है, प्रैक्टिकल जो कैंप्स हैं कंपलसरी 26/7/2021 से 6/8/2021 तक संपन्न होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट, टाइम एंड वेन्यू के संदर्भ में जानकारी दी गई है। BA फर्स्ट ईयर होम साइंस बैच जुलाई 2019 एंड जनवरी 2020, टाइम दिया गया है प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। BA सेकेंड ईयर होम साइंस बैच जुलाई 2019 से जनवरी 2020, BA थर्ड ईयर होम साइंस बैच जनवरी 2020। समय के संदर्भ में हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वेन्यू है श्री पुस्तिकर गर्ल PG कॉलेज शिवांची गेट जोधपुर। इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी प्रोवाइड बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग कैंप। द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हैव टू अरेंज अकोमोडेशन मील्स एंड ब्रिंग ऑथेंटिक ID ड्यूरिंग प्रैक्टिकल कैंप। प्लीज नोट दैट 75% इज कंपल्सरी इन द प्रैक्टिकल कैंप। ऑल स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर COVID-19। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है, जिस पर हम और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम SEC की नोटिफिकेशन के संदर्भ में। MSc केमिस्ट्री प्रीवियस एंड फाइनल प्रैक्टिकल कैंप न्यू स्कीम RC जोधपुर, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। MSc केमिस्ट्री प्रीवियस एंड फाइनल प्रैक्टिकल काउंसलिंग कैंप्स Only regular student of session enrolled in July 2019. Compulsory practical camp of the MSc chemistry students will be held for student admitted in July 2019 session in previous and also for those who subsequent registered in July 2020 for final as promoted students. The duration of the practical counseling camp will be 80 days and 3 hours a day. These campuses are not for defaulter students.
तो प्रोग्राम्स के संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं, ड्यूरेशन के संदर्भ में हम जानकारी ले सकते हैं फ्रॉम 9 अगस्त 2021 से। प्रैक्टिकल कैंप जो सेंटर है यहाँ दिया गया है आदर्श महाविद्यालय कमला नेहरू नगर जोधपुर एंड गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर एंड गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। इज टू बी नोटेड दैट तो यहाँ COVID-19 की जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को उपस्थित होना होगा। 75% जो उपस्थिति है अनिवार्य कही गई है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ। MSc बोटनी प्रीवियस एंड फाइनल प्रैक्टिकल कैंप RC जोधपुर, दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। MSc बोटनी प्रीवियस एंड फाइनल प्रैक्टिकल काउंसलिंग कैंप्स ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ सेशन इनरोल्ड इन July 2019। यहाँ पर प्रोग्राम के संदर्भ में जानकारी दी गई है। ड्यूरेशन दिया गया है फ्रॉम 2/8/2021 और यहाँ सेंटर के संदर्भ में हम जानकारी आसानी से ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड नोटिफिकेशन के संदर्भ में। MA MSc फाइनल जियोग्राफी प्रैक्टिकल ऑर्डर RC जोधपुर, दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। MA MSc फाइनल जियोग्राफी प्रैक्टिकल काउंसलिंग कैंप जोधपुर January 2020 प्रवेशित एवं पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रायोगिक परामर्श कैंप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर में स्नातकोत्तर भूगोल अंतिम वर्ष के वह विद्यार्थी जो January 2020 में प्रवेशित एवं परीक्षा December 2020 के लिए डिफॉल्टर विद्यार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं, उनके निम्नानुसार 20 दिवसीय अनिवार्य प्रायोगिक परामर्श शिविर एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा की तिथि की जानकारी प्रायोगिक संपर्क शिविर के दौरान दे दी जाएगी। प्रवेश सत्र है January 2020। स्थान दिया गया है जहाँ पर जो प्रैक्टिकल कैंप्स हैं संपन्न किए जाएंगे 10/8/2021 से प्रारंभ होंगे सुबह प्रातः 10 बजे से। क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर में पंजीकृत विद्यार्थी उक्त में से किसी भी सुविधा अनुसार अपनी उपस्थिति प्रायोगिक शिविर में दे सकते हैं। इस हेतु प्रथम दिवस में जिस केंद्र में विद्यार्थी उपस्थिति देगा तदुपरांत उनके केंद्र में किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों को अपना संपूर्ण शिविर एवं प्रायोगिक परीक्षा वहीं देनी होगी। 75% जो उपस्थिति है अनिवार्य रहेगी। COVID-19 की जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए कैंप में उपस्थित होना चाहिए और इसी के साथ में फोटो युक्त जो मूल पहचान पत्र है वो भी हमें साथ लेकर जाना होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। सत्रांत परीक्षा June 2020 में पंजीकृत BLIS MDLIS के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। सत्रांत परीक्षा June 2020 में BLIS 3 और 4 DLIS 0203 पाठ्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ की जा रही हैं। परीक्षा की समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी की जाएगी। BLIS 0304 एंड DLIS 0203 पाठ्यक्रमों में December 2020 व June 2021 सत्रांत परीक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों की प्रायोगिक कैंप एवं परीक्षा की तिथि पृथक से विश्वविद्यालय की वेबसाइट vmu.ac.in व समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी। परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी संशोधन की सूचना के लिए समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्रांत परीक्षा June 2020 में पंजीकृत BLIS और DLIS के जो विद्यार्थी हैं उनके प्रायोगिक परीक्षा 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ होगी और जल्द ही इसका जो कार्यक्रम है जारी कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोट के संदर्भ में। BSc केमिस्ट्री प्रथम वर्ष प्रायोगिक परामर्श शिविर, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा।
क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। सूचना प्रायोगिक प्राइमर शिवर बीएससी प्रथम वर्ष केमिस्ट्री क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर पर प्रवेश सत्र जुलाई 2019 में प्रवेशित बीएससी प्रथम वर्ष एवं बीएससी एडिशनल के विद्यार्थियों के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विषय का प्रायोगिक प्राइमर शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रवेश सत्र जुलाई 2018 व जनवरी 2019 के प्रायोगिक डिफॉल्टर विद्यार्थी अर्थात जिनका स्कॉलर नंबर यहाँ दिया गया है के रूप में हो और जिन्होंने ऑफलाइन डिफॉल्टर फॉर्म भरा ऐसे विद्यार्थी भी उक्त शिविर में सम्मिलित होने के पात्र हैं। निम्नलिखित केंद्रों पर तालिकानुसार 10 दिवसीय प्रायोगिक परामर्श शिविर एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि की सूचना शिविर के दौरान दी जाएगी। तो स्पष्ट किया गया है यहाँ पर हम परामर्श शिविर केंद्र के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। पाठ्यक्रम और यहाँ पर शिविर की अवधि रहेगी 26/7/2021 से प्रारंभ होगा और समय दिया गया है प्रातः 8 बजे से। तो इस तरह से जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। बीएससी फिजिक्स प्रथम वर्ष प्रायोगिक शिविर आरसी जोधपुर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। सूचना प्रायोगिक परामर्श शिविर बीएससी प्रथम वर्ष फिजिक्स क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर पर प्रवेश सत्र जुलाई 2019 में प्रवेशित बीएससी प्रथम वर्ष एवं बीएससी एडिशनल के विद्यार्थियों के भौतिक शास्त्र फिजिक्स विषय का निम्न तालिकानुसार 10 दिवसीय प्रायोगिक परामर्श शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर डिफॉल्टर जो विद्यार्थी हैं और जिनका रोल नंबर यहाँ पर जारी किया गया है वे भी ऑफलाइन डिफॉल्टर फॉर्म भरे हैं, ऐसे विद्यार्थी भी उक्त शिविर में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। तो यहाँ प्रायोगिक परामर्श शिविर केंद्र के संदर्भ में जानकारी दी गई है और इसी के साथ में पाठ्यक्रम 9/8/2021 से प्रारंभ होगा। समय दिया गया है प्रातः 8 बजे का। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। प्रेस विज्ञप्ति परीक्षा जून 2021 हेतु आवेदन करने की सूचना दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। परीक्षा जून 2021 हेतु आवेदन करने की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जून 2021 परीक्षा हेतु डिफॉल्टर विद्यार्थियों पूर्व परीक्षा में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित विद्यार्थी जिनकी कार्यक्रम की अधिकतम अवधि शेष है को परीक्षा फॉर्म भरने हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ हो गया है। जून 2021 परीक्षा में बैठने के इच्छुक डिफॉल्टर विद्यार्थी ई मित्र या नेट बैंकिंग द्वारा निम्नानुसार परीक्षा फॉर्म हेतु आवेदन करें। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है। विशेष निर्देश ऐसे डिफॉल्टर विद्यार्थी जो जून 2021 सत्रांत परीक्षा में सैद्धांतिक प्रोजेक्ट लघुशोध परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वे उक्त सभी के लिए सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म दिनांक 31 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शहर में परिवर्तन भी 31 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र प्रोजेक्ट लघुशोध परीक्षा हेतु 31 जुलाई 2021 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए डिफॉल्टर विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन करने हेतु पृथक से सूचना जारी की जाएगी। सत्रांत लिखित परीक्षा दिसंबर 2020 में पंजीकृत परीक्षार्थी जो कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण परीक्षा में वंचित रहे उनके लिए भी विशेष निर्देश। सत्रांत लिखित परीक्षा दिसंबर 2020 में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जो कि कोविड-19 महामारी से ग्रसित होने के कारण परीक्षा नहीं दे सके उन्हें जून 2021 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड कर ऑफलाइन परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय राउतभाटा रोड कोटा 32/40/21 के पते पर अंतिम तिथि तक डाक या व्यंगतिस उपस्थित होकर जमा कराना होगा। ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए योग्य अथवा अयोग्य
तय किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। तो विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि परीक्षा शुल्क में छूट रहेगी। जुलाई 2019 में स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में प्रवेश लेकर जून 2020 में परीक्षा में प्रथम बार पंजीकृत विद्यार्थियों को जून 2021 परीक्षा में स्नातक प्रथम वर्ष या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की परीक्षा हेतु डिफॉल्टर के रूप में परीक्षा आवेदन नहीं करना है। तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहेंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। फी रिफंड ऑफिस ऑर्डर ऑफ एमपील एंट्रेंस टेस्ट 2020 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। शोध विभाग द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा एमफिल कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु वर्ष 2020 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिनकी प्रवेश परीक्षा कोविड-19 के कारण अभी तक नहीं हो सकी थी। इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल कार्यक्रम की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त सत्र में एमफिल कार्यक्रमों में प्राप्त आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए दी गई प्रवेश परीक्षा फीस लौटा दी जाए। अतः समस्त एमफिल कार्यक्रमों में प्राप्त आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपना नाम में पूर्ण पते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक विवरण जैसे खाता संख्या, बैंक संख्या का नाम, आईएफएससी कोड तथा जमा की गई राशि के प्रमाण सहित शोध विभाग के ईमेल, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया गया है, पर दिनांक 30 जुलाई 2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें ताकि आपकी प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा फीस RTGS या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से लौटाई जा सके। ये आदेश माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से जारी किए गए हैं। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि एमफिल की जो उपयोगिता है वो UGC के द्वारा समाप्त कर दी गई है, अतः विश्वविद्यालय द्वारा भी अब एमफिल नहीं कराया जाएगा। अतः जो विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा 2020 में फीस जमा कराई है वे विद्यार्थी अपनी फीस वापस ले सकेंगे। और इसके संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ जारी कर दिए गए हैं कि किस प्रकार हम अपनी फीस वापस प्राप्त कर पाएंगे। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMU व्हाट्सएप ग्रुप का अवश्य ज्वाइन करें। इसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। इसी के साथ में RBCV TouchSM चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचाए जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBCV TouchSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।